इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस फैसला, इमरान खान ने गोशवारों में असासों से मुतालिक हकायक छुपाए, तोहफे बेचकर हासिल की गई रकम डिक्लेयर नहीं की, पेशकर्दा बैंक रिपोर्ट तहाइफ की कीमत से मुताबकत नहीं रखती, जो तोहफे खरीदे फिर वो तोहफे दूसरों को तोहफों की सूरत में दिए, फॉर्म बे में उनके हवाले से कोई वजाहत न देकर जान बूझ कर हकायक छुपाए। इलेक्शन कमीशन में चूंकि झूठा बयान हल्फी गलत बयान जमा कराया, इसलिए इलेक्शन कमीशन के शिक 173 के तहत बदउनवानी के मुर्तकिब हुए। जो रकम अकाउंट में आई वो उन तहाइफ की वैल्यू से मुताबकत नहीं रखती। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाहल किया जाता है। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट की दफात 137, 167, 173 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान की ना अहली वक्ती, 2023 का इलेक्शन लड़ सकेंगे, वो ता हयात ना अहली से बच गए। उनके पास अपील के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दो फोरम मौजूद, आइन मुमकिन उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। जैसा कहा, ये वक्ती ना अहली मतलब मौजूदा असेंबली से ना अहली, ये ना अहली बरकरार रहे, उन्हें अदालती रिलीफ न मिले तो भी इमरान खान की सियासत पर इस नाअहली का कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नाअहली मौजूदा असेंबली की मुद्दत खत्म होने तक और इमरान खान इस फैसले से पहले ही मौजूदा असेंबली से बाजमात मुस्ताफी हो चुके। आसान लफ्जों में, इलेक्शन कमीशन फैसले से इमरान खान डी सीट हुए, वो मियां वाली से रुकन असेंबली थे, अब वो इस नशस्त से रुकन असेंबली नहीं रहे, लेकिन इमरान खान ये सीट 6 माह पहले ही छोड़ चुके। बाकी रह गई वो 6 नशस्तें जो अभी इमरान खान ने जीती। अगर ये फैसला ना भी आता तब भी इमरान खान ने कौन सा कौमी असेंबली जाना था, उन नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन होता या ये 6 नशिस्तें लटकी रहती, ये अलहदा बात। इस जमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का एक सीट पर 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया, मतलब अगर सिर्फ इमरान खान की 7 नशिस्तों की बात की जाए तो 52.5 करोड़ रुपए का खर्चा और हासिल वसूल किया, ये आपके सामने। क्या ये वक्ती ना अहली रहेगी? फौजदारी मुकदमा, कैद, जुर्माना होगा या सब कुछ उड़ जाएगा? ये फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होगा। वैसे तो आप इमरान खान की तोशा कहानी पढ़ सुन ही चुके होंगे, मगर चूंकि हमारी याददाश्तें कमजोर, लिहाजा इस कहानी का खुलासा हाजिर खिदमत। मुकदमा ये कि बहसियत वजीर आजम इमरान खान 14,20,42,000 के तोहफे 3,81,77,000 में घर ले गए। वो 8 लाख रुपए मालियत के तोहफे बिना कीमत अदा किए ले गए। इमरान खान ने खुद अपनी हुकूमत में तोहफा खरीदने की कीमत 20% से 50% कर दी और खुद ही कई तोहफे 50% की बजाय 20% अदा करके ले गए। कई तोहफे लिए, उन्हें बेचा और बेचने के बाद अदायगी की। कई तोहफे तोशाखाना में जमा कराए, बिना उन्हें पौने दामों पर खरीद कर घर ले गए। तोहफे और तोहफे बेचकर जो रकम हासिल की उसे छुपाया, डिक्लेयर नहीं किया। ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने कई तोहफे ऐसे भी खरीदे जिनकी अदायगी इमरान खान के अकाउंट से नहीं किसी और के अकाउंट से हुई। ये एक हकीकत के सीधे साधे मामले को पेचीदा बनाया इमरान खान ने। इस मामले को खींच खींच कर तोशाखाना रेफरेंस तक पहुँचाया इमरान खान ने। उन्हें कई मौके मिले, वो बड़ी आसानी से ये मामला सुलझा सकते थे, चूंकि उन्होंने तोहफे बेच दिए थे, डिक्लेयर नहीं किए थे, तोहफे लेते वक्त अदायगी का मामला भी गड़बड़ था, लिहाजा वो चीजें छुपाते, मामले को तूल देते गए और नौबत रेफरेंस तक आ पहुंची। ये भी एक हकीकत के तोहफों के हवाले से इमरान खान ने खुद ही एक इखलाकी मयार मुकर्रर कर रखा था, जिसके मुताबिक हुक्मरानों को तोहफे नहीं लेने चाहिए। वो कहा करते थे, तोहफे तो रियासत की मिल्कियत, हुक्मरान क्यों ले जाएं? इमरान खान औने पौने दामों पर तोहफे लेने को बददियानती भी कहा करते। कल जब नवाज, जरदारी, गिलानी, तोशाखाना किस्से सामने आए, जब ये सब अपने अपने तोहफों की तलाशी से भाग रहे थे, तब इमरान खान ही ने कहा कि एक तरफ हमारे हुक्मरानों का ये तर्ज अमल, जबकि दूसरी तरफ इजराइल का वजीर आजम नेतन्याहू चुपचाप पुलिस से तफ्तीश करवा रहा, हालांकि इसका जुर्म भी यही कि उसने बाहसियत वजीर आजम तोहफे वसूल किए। इमरान खान रियासत मदीना के दाई भी, वो बात बात पर रियासत मदीना की मिसालें दें। अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा मसला तोशाखाना रेफरेंस या तोशाखाना रेफरेंस फैसला नहीं। मैं तो ये मानने के लिए तैयार हूँ कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ, ये भी मानने को तैयार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ, ये भी मानने को तैयार के तोशाखाना फैसला कमजोर, ये भी मानने को तैयार के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर ये फैसला उड़ जाएगा, इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी, ये भी मानने को तैयार ये फैसला ऐसी जल्दबाजी से सुनाया गया कि एक बीमार रुकन के दस्तखतों के बिना ही सुना दिया गया, ये भी मानने को तैयार के इलेक्शन कमीशन का ये फैसला मनगढ़ंत, जाली, बुग्ज़ो इनाद से भरा हुआ। मेरा मसला ये नहीं, मेरा मसला ये, इमरान खान तो हुक्मरानों के तोहफे लेने के हक में ही नहीं थे, फिर खुद क्यों तोहफे लिए? इमरान खान तो औने पौने दामों तोहफे खरीद कर ले जाने को बददियानती कहा करते थे, फिर खुद ये बददियानती क्यों की? इमरान खान तो तोहफे लेकर छुपाने को चोरी ऊपर से सीना जोरी कहा करते, फिर खुद चोरी ऊपर से सीना जोरी क्यों की? इमरान खान तो उस रियासत मदीना के दाई जहाँ खलीफा वक्त हजरत उमर अपने लिबास की दूसरी चादर तक का हिसाब देते मिले, फिर इमरान खान आखिरी लम्हों तक तोशाखाना तलाशी से क्यों कतराते रहे? इमरान खान तो
तो कहा करते थे कि यहाँ परवेज मुशर्रफ हों या आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ हों या यूसुफ रजा गिलानी, सब ने तोशा खाना से हाथ साफ किए, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर इमरान खान ने यह सब क्यों किया? वो तो इन जैसे नहीं थे। फिर उन जैसे क्यों हुए? वो तो तब्दीली लाने आए थे। फिर खुद क्यों तब्दील हो गए? मैं हैरान हूँ। एक तरफ इमरान खान और उनका आला इखलाकी मयार और दूसरी तरफ घड़ियाँ, कफ लिंक्स, अंगूठियाँ, पेन, परफ्यूम, आईफोन, कपड़े, वुड बॉक्सेस, इत्र की बोतलें, हीरों के लॉकेट, बुंदे, सोने के कड़े। हैरान हूँ। एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं, अल्लाह ने मुझे वजीर आजम बनने से पहले ही इज्जत, शोहरत, दौलत से नवाज दिया, मुझे भला किस चय का लालच, जबकि दूसरी तरफ ऐसा लालच के तोहफे लेते रहे, तोहफे बेचते रहे। हैरान हूँ।